तो क्या ये संभव नहीं है कि हर किसी को एक यूनिक आईडेंटिटी नंबर दे के पोलिंग के डे हम लोग ऑनलाइन पोलिंग कर सकें? समय है अभी सरकार के पास, और हमारी सरकार काफ़ी जागरूक है, बहुत डायनेमिक है, बहुत तेज़ी से कदम उठाती है जी। एक ऐप डेवलप किया जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, अब कितना प्रभावशाली है नहीं, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम तो आई एम श्योर टू किया जा सकता है जी। अगर ये नहीं हो, मान लीजिए, तो ये आप आवश्यक करें कि जो भी मतदाता जा रहा है हमारे सेंटर पर जी, उसने तो पीपी किट नहीं पहन रखा है। मैं जानता हूँ कि उतने लाखों करोड़ मतदाताओं के लिए संभव नहीं है जी, बिल्कुल। तो वो कम से कम अपना रिसेंट सरकार के द्वारा फ्री टेस्टिंग कराई जा रही है, बहुत अच्छी बात है जी। तो वो एक दिन के दो दिन के अंदर एक अच्छा अभियान चलाया जाए कि जितने मतदाताओं की सूची है उन सबका कोरोना टेस्ट हो सके। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यदि संभव हो तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें कि दूर दराज से, अब तो मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह, हम एक लोकतंत्र में हैं, हमारी सरकार का सत्र भी पूरा होता जा रहा है, और ये आवश्यक है कि हमारा प्रशासन के लिए, आर्थिक ज़रूरतों के लिए, कई चीज़ों के लिए एक सरकार का रहना तो आवश्यक है, उसका सत्र पूरा हो रहा है। दुर्भाग्यवश महामारी भी साथ साथ में, तो एक तरफ हमारा, हम लोगों की ये मंशा है, हम लोगों की ये राय है, हर किसी, हर प्रोफेशनल की, सरकार की, सब लोग तो यही चाहते हैं कि बीमारी खत्म, कि दूरी बना के रखें एक दूसरे से, फिजिकल भीड़ भाड़ ना करें। और भारत आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 138 करोड़ की आबादी है, काफ़ी मतदाताओं में, तो ये दोनों एक साथ संभव हो, ये हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत हमें कई सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। अभी जो पिछले 2-3 महीने में मैं देख रहा हूँ अपने समाज में, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सावधानी चली गई है कहीं और, किसी को कोई वास्ता नहीं है हमारे समाज में, तो मैं नहीं देख रहा हूँ ये प्रतिबिंबित होते, मैं नहीं देख रहा हूँ सरकार का जो अपना मंतव्य है उस पर क्रियान्वयन स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुझे सड़क पर ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर ये हो सके आगामी 2 महीने में पुनः अनुशासन को लागू किया जाए, और एक बहुत, जिसे बोलते हैं वेल थॉट आउट वे में, एक स्ट्रैटजी के आधार पर कैसे मतदान हो सके, अगर दोनों हो सके तो इससे अच्छा क्या होगा। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। ये जो शख्स बगल में खड़े हैं मेरे, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये डॉक्टर अनुराग शरण हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं पीएमसीएच के, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक, आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर हैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक के, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। पटना में इनका बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही जाने जाते हैं, ये कायाकल्प के डायरेक्टर हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कायाकल्प इन्हीं का है। तो अब इनसे जानेंगे कि कोरोना काल में जो मतदान होने जा रहा है, इनमें कितना सही है ये मतदान। सर बताइए, कोरोना काल में जो मतदान होने जा रहा है वो कितना सही है? नमस्कार जी, बिल्कुल। देखिए, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत मेरी राय मांगेंगे तो अभी तो इस महामारी के दौरान, सर ये व्यक्तिगत राय डॉक्टर की तरह से मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल अपने उत्तरदायित्व से एक डॉक्टर के नाते में बोल जी। हुआ क्या है कि ये कोरोना महाकाल जब से आया है, हमारे मनुष्य का जो एक स्वभाव होता है, थोड़ा सा अलग हट के बात बोल रहा हूँ, शुरुआत में जब अचानक से ऐसी कोई घटना होती है विश्व में, या किसी के साथ समाज में, या आपके व्यक्तिगत जीवन में जी, जो कि आपके जीवन को उथल पुथल रख करने की क्षमता रखता है, तो शुरुआत में लोगों में एक कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी, व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या हुआ इस कोरोना के दौरान, ये चाइनीज़ बीमारी है, इसमें शुरुआत में बहुत सारे जोक्स बने, मीम्स बने, सोशल मीडिया पर चले जी। उसके बाद ये बीमारी हमारे पास आने लगी, हमारे समाज में अपना असर दिखाना शुरू किया, तो हुआ स्टेज ऑफ डिनायल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, जहाँ की देखिए एक बड़ा अंतर्विरोध है दोनों चीज़ों में, हम एक लोकतंत्र में हैं, हमारी सरकार का सत्र भी पूरा होता जा रहा है, और ये आवश्यक है कि हमारा प्रशासन के लिए, आर्थिक ज़रूरतों के लिए, कई चीज़ों के लिए एक सरकार का रहना तो आवश्यक है, उसका सत्र पूरा हो रहा है। दुर्भाग्यवश महामारी भी साथ साथ में, तो एक तरफ हमारा, हम लोगों की ये मंशा है, हम लोगों की ये राय है, हर किसी, हर प्रोफेशनल की, सरकार की, सब लोग तो यही चाहते हैं कि बीमारी ख़त्म हो, कि दूरी बना के रखें एक दूसरे से, फिजिकल भीड़ भाड़ ना करें। और भारत आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 138 करोड़ की आबादी है, काफ़ी मतदाताओं में, तो ये दोनों एक साथ संभव हो, ये हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत हमें कई सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अभी जो पिछले 2-3 महीने में मैं देख रहा हूँ अपने समाज में, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सावधानी चली गई है कहीं और, किसी को कोई वास्ता नहीं है हमारे समाज में, तो मैं नहीं देख रहा हूँ,
ये प्रतिबिंबित होते मैं नहीं देख रहा हूँ। सरकार का जो अपना मंतव्य है उस पर क्रियान्वयन स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुझे सड़क पर ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर ये हो सके आगामी 2 महीने में पुनः अनुशासन को लागू किया जाए और एक बहुत जिसे बोलते हैं वेल थॉट आउट वे में एक स्ट्रैटजी के आधार पर कैसे मतदान हो सके, अगर दोनों हो सके तो इससे अच्छा क्या होगा। आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें एज ए डॉक्टर और एक नागरिक के दौरान, तो मुझे अभी तो ये बिल्कुल उचित नहीं लगता है इस स्थिति में अचानक इस तरह से इतना भीड़ भाड़ वाला काम किया जाए, जब तक कि इसकी एक रणनीति अच्छे से सोची और इसमें हर फील्ड से इनपुट्स लिया जाए। सरकार का दावा है जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आया है मानक, उसके अनुसार जो सरकार है वो प्रोवाइड करेगी आपको पीपी किट, साथ में फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट रहेंगी सर। जो पोलिंग जो पोलिंग एजेंट होंगे सर वो पीपी किट पहनेंगे, साथ ही जो वहाँ पे आएंगे अगर उन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है तो वो मास्क का उन्हें मास्क दिया जाएगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर वाली चीज़ें भी रहेंगी वहाँ पे। तो इस जी सर, तो उस पे कितना भरोसा कर सकते हैं हम? मैं भरोसा न करना, भरोसा करना एक अलग बात है जी। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताता हूँ, पोलिंग बूथ वाले हर किसी को दिया जाएगा, वो पहनेगा, उसका पालन करेगा जी। हर वोटिंग के बाद क्या मशीन को फिर से साफ किया जाएगा? कहा जा रहा है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा सर। प्रॉपर वर्ड एक बड़ा, इट्स ओपन एंडेड थिंग जी। व्हाट इज प्रॉपर फॉर मी मे नॉट बी प्रॉपर फॉर यू जी सर। सो द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैज टू बी सेट एंड फ्रोजन, को बोलते हैं ना द डाई हैज टू बी कास्ट, कि ये होगा और ये नहीं होगा। इतने ज़्यादा मतदाताओं में और इतने सारे पोलिंग सेंटर्स में, मुझे तो अपना जो मेरे अपना विचार हुआ कि हर कुछ अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है, अब ऑफलाइन कम चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि हर किसी को एक यूनिक आईडेंटिटी नंबर दे के पोलिंग के डे हम लोग ऑनलाइन पोलिंग कर सकें? समय है अभी सरकार के पास और हमारी सरकार काफ़ी जागरूक है, बहुत डायनेमिक है, बहुत तेज़ी से कदम उठाती है जी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि यदि संभव हो तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें कि दूर दराज, अब तो मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है सर। इस बात में एक बात रखना चाहूँगी, जो स्कूल कॉलेज जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो धीरे धीरे स्तर नीचे होते जा रहा है जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत सारे जो बाहर भारत के अलावा जो 7 और देश हैं जहाँ पे होने वाले थे ये पैच, जहाँ पे चुनाव करवाना था लेकिन वहाँ पे टाल दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत सही स्टेप लिया लोगों ने जी, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था किसके लिए है? हमारे बच्चों के लिए जी, हमारे विद्यार्थियों के लिए। वो मनुष्य हैं और वो जीवित हैं, अगर वो जीवित नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे किसको जी? आप प्रशासन किस पे करेंगे? अपने जीवित नागरिकों पे। द स्टेट इज मेड अप ऑफ इट्स सिटीजंस, जो हमारा राष्ट्र है वो हमारे नागरिकों से बना है जी। भारत भूमि के पेड़ पहाड़ जमीन वो देश नहीं है, वो सिर्फ भौगोलिक देश है जी, बिल्कुल। समाज जीवित व्यक्तियों से बना है, तो जीवन तो सर्वोपरि है। जिन देशों ने ये स्टेप लिया मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन को सबसे ऊपर रखा है। तो इस बीच अगर आप बात करें कि ऑनलाइन जो आप बोल रहे हैं कि वोटिंग करवाना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है, ये मुझे सुझाव क्यों नहीं, आई एम श्योर कि हमारे जो थिंक टैंक है, हमारे यहाँ मेधा की कोई कमी नहीं, मेधावी लोगों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, सॉफ्टवेयर में लोग हैं, आई एम श्योर। देखिए आरोग्य सेतु ऐप लोगों ने डेवलप किया, इतने जल्दी हमारे यहाँ वैक्सीन डेवलप हो रहा है, या आप वैक्सीन डेवलप होने दें। मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है संविधान की, कि आप इस सत्र को बढ़ा सकते हैं आपातकाल में, 6 महीने सत्र बढ़ सकता है विधानसभा का, लोकसभा का भी, ये बात सही है। 1200 लाशें रोज हमारे देश में गिर रही हैं, वो जो जीवन हमारे नष्ट हो जा रहे हैं वो वापस नहीं लौट के आ रहे हैं जी। अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें कि ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज था, एक आर्थिक महामारी से जूझ रहे हैं हम लोग, सामाजिक महामारी से जूझ रहे हैं, और मेडिकल बीमारी है, तो हमारे मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। बात मूड की नहीं है सर, ये मूड की बात सर, बात ये है कि जो देश की अभी स्थिति जो है सर, वो आपने आरोग्य सेतु की बात की, आरोग्य सेतु ऐप की बात की, तो सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो फ़ोन नहीं है जिसमें आरोग्य सेतु हो, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी भी पीछे हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको, उदाहरण दिया कि एक ऐप डेवलप किया जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं, अब कितना प्रभावशाली है नहीं, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम तो आई एम श्योर कि किया जा सकता है जी। अगर ये नहीं हो, मान लीजिए
तो ये आप आवश्यक करें कि जो भी मतदाता जा रहा है हमारे सेंटर पर जी, उसने तो पीपी किट नहीं पहन रखा है। मैं जानता हूँ कि उतने लाखों करोड़ मतदाताओं के लिए संभव नहीं है जी, बिल्कुल। तो वो कम से कम अपना रिसेंट सरकार के द्वारा फ्री टेस्टिंग कराई जा रही है, बहुत अच्छी बात है जी। तो वो एक दिन के दो दिन के अंदर एक अच्छा अभियान चलाया जाए कि जितने मतदाताओं की सूची है उन सबका कोरोना टेस्ट हो सके जी। और आजकल तो SMS आ जाता है मोबाइल पे, या उन लोग के लिए फ्री प्रिंटिंग की आवश्यकता कि वो जो बूथ पे है वो अपना नेगेटिव कोरोना स्टेटस दिखाए तभी वो मतदान करें जी। सर आप एक कॉस्मेटिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, तो अभी जो युवा वर्ग है, जो अभी महिला वर्ग है, जो उसमें लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे इसको लेके? ये आपके ऊपर है, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एक पेरेंट ब्रांच है जी, समझिए वो उसका एक छोटा सा अंग है कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां हम आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ आप में विकृतियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में उसके अनुरूप आप ज़्यादा आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली लिखे, आप आकर्षक थे उसके लिए करते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बहुत तरह की सर्जरियाँ होती हैं। मेरा संदेश क्या है, जो सोचता है कि क्या मुझे कराना चाहिए, कम से कम वो अपने एक परामर्शदाता से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सके जी, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, क्या उसके लाभ हैं क्या उसके हानि हैं, क्या आपके लिए वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, क्या इसके खर्चे हैं, तो बड़ी बहुत से बड़ी स्पेशलिटी है। सर उचित अनुचित की अगर आपने बात कही है, तो एक बात मैं आपको बताना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कहा यह जाता है कि जब हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सिलिकॉन जो यूज़ किया जाता है सर ब्रेस्ट इन्हांसमेंट के लिए, तो वो कहा जाता है कि वो कैंसर के लिए कैंसर हो सकता है उसे यूज़ करने से। पिछले 30-40-50 सालों से रिसर्च चलता रहा जी, कई फेजेस, और जो हमारे ब्रेस्ट इम्प्लांट होते हैं जो हम लोग स्तन के अंदर डालते हैं सिलिकॉन के बैग समझे जी, उसके कई जनरेशन आ चुके हैं अब जी, जो हमारे स्टैंडर्ड बॉडी विश्व में मानी जाती है USFDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जी, उसने इसे पास किया है कई साल के स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग के बाद। तो हमारा अभी थर्ड या फोर्थ जनरेशन डिवाइस जो चल रहा है, लॉन्ग टर्म स्टडीज ने ऐसा नहीं कभी साबित किया कि इससे कैंसर बढ़ने का कोई रिस्क है। सर ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर ले, तब तो अभी तो ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है, ये हमारे जमीन के लिए जो हमारी मिट्टी होती है उसके लिए भी खराब होती है कहा जाता है कि वो उर्वरा शक्ति जो होती है उसके कम हो जाती है। कहा यह जाता है कि बॉडी तो डिजेनरेट हो जाता है लेकिन वो जो सिलिकॉन जो हमारे बॉडी में इम्प्लांट होती है वो नहीं डिजेनरेट होती है। सही बात है सर, तो वो एक तरह से हमारे जो हमारे खेत कर खेती के लिए जो किसान हैं वो जो खेत में लगातार काम करते हैं उनके लिए तो वो चीज़ खराब है ना सर? मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छे से समझ इसलिए नहीं पाया जी कि इवन एज वी स्पीक अभी जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए भारतवर्ष दुनिया का सबसे आबादी में सेकंड है, कितने लोगों ने सिलिकॉन इम्प्लांट लगवाया होगा? सर लगातार अगर हम बात करें तो क्रेज में जैसे बात करी थी कि क्रेज बढ़ता जा रहा है सर इसके। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं जी, अभी जो हम बैठे हैं अपने जगह इस समय इस वक्त बिहार में 5 सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट भी नहीं लग रहे होंगे, उसकी संख्या इतनी नगण्य है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके, मतलब ये एक मैं कहना चाहूंगा कि अभी काल्पनिक है। सर कहते हैं ना बूंद बूंद से ही तालाब भरती है, क्रेज बढ़ता जा रहा है। मैं मुझे लगता है कि मैं हम लोग तो बात से हटे, सिलिकॉन इम्प्लांट जो है जी, वो इतनी मात्रा में कभी भी नहीं लगने वाला है आगामी भविष्य में जी, कि वो पर्यावरण को नष्ट कर सके। और सिलिकॉन जो है जो बनाते हैं हम लोग, जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करने के तरीके हैं, लेकिन वो मृत शरीर अगर या तो हिंदुओं में जला दिया जाएगा तो वो भी वो पंचभूत में विलीन हो जाएगा, प्लास्टिक तो जल जाता है, और यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा कॉफिन के अंदर ताबूत के अंदर तो भी मुझे नहीं लगता है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। सर कहा जाता है बोले कैटरैक्ट में लेंस लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ज्यादा नंबर में लगता है जी, कैटरैक्ट के लिए जो मोतियाबिंद के लेंस लगते हैं वो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट से तो कहीं ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्या कभी उसे पर्यावरण के लिए खतरा समझा जा सकता है जी? मतलब मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी इस बात को सोचना जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग शरण, जो कि PMCH से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो उन्होंने जो कोरोना को लेकर है वो उन्होंने अपनी बातें रखी कि कोरोना अभी जो कोरोना काल में मतदान नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह की न्यूज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।